सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है टेक्नो आरावत। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के एक और नए टेक न्यूज वाले वीडियो में। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है और आज की जो टेक न्यूज है वो काफी गर्मागर्म होने वाली है और रियलमी एक्स 3 से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज है। तो बिना देर करते हुए आज की टेक न्यूज स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हो ओप्पो से, और ओप्पो ने अपने एक प्रेस मीटिंग में ये कंफर्म कर दिया है कि ओप्पो A52 स्मार्टफोन इंडिया में बहुत ही ज़्यादा लॉन्च होने वाला है। और आई थिंक, मुझे लगता है कि जुलाई के महीने में ही ओप्पो अपना ये ओप्पो A52 स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च करेगी। और ये जो ओप्पो A52 स्मार्टफोन है, ये बजट रेंज के अंदर में आएगा, मतलब 15,000 के अंदर में ये ओप्पो A52 स्मार्टफोन आपको इंडिया में देखने को मिलेगा जुलाई के मंथ में। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उस खबर की जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा तबाही मची हुई है। मतलब सभी लोग पूछ रहे हैं, सर कब लॉन्च होगा भैया, इंडिया में कब लॉन्च होगा, इंडिया में आएगा ना भाई, आगे हाथ जोड़ रहा, बता दे कब इंडिया में आएगा भाई, बता दे कब इंडिया में। सो दोस्तों, फाइनली Realme X3 Super Zoom इंडिया में लॉन्च होने वाला है। और अकॉर्डिंग टू 91 मोबाइल्स, Realme X3 Super Zoom इंडिया में 26 जून को लॉन्च होगा। और ये जो Realme X3 Super Zoom डिवाइस है, ये कोई और चिपसेट के साथ आएगा, मतलब इसमें आपको स्नैपड्रैगन 855 प्लस वाला चिपसेट है वो देखने को नहीं मिलेगा। आई थिंक, मुझे लगता है कि कंपनी इसमें स्नैपड्रैगन 765G वाला चिपसेट है वो दे सकती है। और ये जो Realme X3 Super Zoom डिवाइस है, ये आपको 30,000 के अंदर में देखने को मिलेगा। बाकी कंपनी से 26 जून को लॉन्च करेगी, तभी पता चलेगा क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। बाकी इसके रिलेटेड जैसे और कोई जानकारी मिलती है, न्यूज़ मिलती है, तो मैं आपको बता दूंगा। तो OnePlus का जो अपकमिंग डिवाइस है OnePlus Z, जिसे कंपनी इंडिया में लॉन्च करने वाली है बहुत ही जल्द, और ये जो डिवाइस है OnePlus Z के नाम से नहीं आने वाला है, OnePlus Nord के नाम से आने वाला है। और इसका ट्रेडमार्क भी फाइल हो चुका है, तो जिससे ये पता चल रहा है कि ये जो डिवाइस है वो OnePlus Nord के नाम से आएगा, ना कि OnePlus Z के नाम से। और ये जो डिवाइस है वो जुलाई के आपको 10 या 20 तारीख के अंदर में ही कंपनी इसे इंडिया में लॉन्च कर सकती है। बाकी देखते हैं कंपनी से कब लॉन्च करती है, बट लीक्स आ रही है कि जुलाई के 10 या फिर जुलाई की 20 तारीख के अंदर ही ये इंडिया में लॉन्च होगा। तो दोस्तों, ट्विटर ने अपना स्टोरी फीचर स्पेशली इंडियन यूजर्स के लिए रोल आउट कर दिया है। और ये जो फीचर है, इसकी मदद से आप अपना फोटोज वीडियोस ट्विटर पर स्टोरी टैब पर डाल सकते हैं। जैसे कि आप लोग इंस्टाग्राम स्टोरी डालते थे फोटोज वीडियोस और बाकी बहुत सारी जो स्टोरीज आप लोग जैसे अपलोड करते थे, वैसे ही आप ट्विटर पे स्टोरी डाल सकते हो। तो अगर आप ट्विटर यूज करते हो तो ये फीचर आप चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, TSMC कंपनी की तरफ से एक इंपॉर्टेंट न्यूज आई है। और TSMC जो कि वर्ल्डेस्ट लार्जेस्ट चिपसेट मेकर कंपनी है, उनका कहना है कि वो अपकमिंग एप्पल का A16 बायोनिक चिपसेट बना रही है, जो कि 3nm प्रोसेस टेक्नोलॉजी पर बना हुआ है और काफी फास्ट है। मतलब अभी तक सुनने में आया था कि एप्पल A14 चिपसेट बना रहा था, लेकिन अभी कंपनी उससे दो कदम और आगे बढ़ चुकी है और A16 बायोनिक चिपसेट बना रही है, तो बहुत ही अच्छी बात है। और ये जो A16 बायोनिक चिपसेट है, ये काफी फास्ट होने वाला है। और जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि एप्पल का जो चिपसेट होता है वो काफी फास्ट होता है एज कंपेयर टू स्नैपड्रैगन, मीडियाटेक और अदरवाइज जो भी है। और ये जो एप्पल का A16 बायोनिक चिपसेट है, ये कंपनी स्पेशली आईफोन और आईपैड के लिए यूज करने वाली है। तो देखते हैं कंपनी ये जो A16 बायोनिक चिपसेट है, ये कब लॉन्च करती है। और TSMC कंपनी का कहना है कि 2022 तक ये जो चिपसेट है वो बन के रेडी हो जाएगा। तो हम लोग वेटिंग कर रहे हैं, कंपनी जैसे इसे लॉन्च करती है या फिर इससे रिलेटेड जैसे और कोई न्यूज आती है तो मैं आपसे शेयर जरूर करूंगा। तो दोस्तों, नूबिया ने अपना रेड मैजिक 5G ट्रांसपेरेंट एडिशन चाइना में लॉन्च कर दिया है। और बेसिकली पीछे में आपको एक ट्रांसपेरेंट ग्लास मिलता है, तो जिसकी मदद से आप फोन की जो बैटरी है, रैम है, प्रोसेसर है, कैमरा है, ये सब देख सकते हो, जो देखने में काफी अट्रैक्टिव लगता है और बगल वाले को आप जला भी सकते हो। और इसकी प्राइस कंपनी ने 50,000 रखी है। और इसमें आपको 16GB LPDDR5X रैम का सपोर्ट मिलता है। और ये जो डिवाइस है कंपनी से इंडिया में कब लॉन्च करेगी, ये तो मुझे नहीं पता है, बट कंपनी से बहुत ही जल्द इंडिया में लॉन्च करे ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि मैं इस डिवाइस के रिलेटेड बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बाकी पैसे अपने पास है नहीं, अपन परचेस करने वाले हैं नहीं। तो दोस्तों, खबर ओप्पो की तरफ से है, और ओप्पो के वाइस प्रेसिडेंट तस्लीम आरिफ ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा है कि ओप्पो का एक नया प्रीमियम डिवाइस इंडिया में बहुत ही ज्यादा लॉन्च होने वाला है। तो बेसिकली उनका कहने का मतलब यह है कि ओप्पो रेनो 4 सीरीज इंडिया में बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा जुलाई के मिड तक। बाकी कंपनी से कब लॉन्च करेगी और लॉन्च डेट क्या होने वाली है, ये तो अभी कंफर्मेशन है नहीं, बस जुलाई के मिड तक आपको ये जो ओप्पो रेनो 4 सीरीज है इंडिया में बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाली है। तो ओप्पो रेनो 4 सीरीज आप कंफर्म समझो कि इंडिया में लॉन्च होगी। तो दोस्तों, शामी का एक पॉपअप कैमरा वाला डिवाइस का जो पैटर्न है वो लिस्ट किया गया है, और जिसमें आपको फ्रंट में पॉपअप कैमरा मिलता है और रियर में आपको ड्यूल कैमरा सेटअप मिलता है, साथ ही में आपको पेरिस्कोप लेंस भी मिलता है जूम के लिए। मतलब पहला शामी का मैं ऐसा डिवाइस देख रहा हूँ जिसमें आपको पेरिस्कोप लेंस मिल रहा है, तो अभी तक शामी का ऐसा कोई डिवाइस नहीं आया जिसमें आपको पेरिस्कोप लेंस देखने को मिले Mi 10 Youth को छोड़कर। तो ये जो डिवाइस है इसमें आपको पेरिस्कोप लेंस सपोर्ट देखने को मिलता है, और साथ ही में USB टाइप सी चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया, 3.5mm हेडफोन जैक भी दिया गया है। बाकी आप इसको कन्फर्म मत समझो कि ये जो डिवाइस है ये लॉन्च होने भी वाला है कि नहीं होने वाला है, क्योंकि ये जो सिर्फ एक पैटर्न है और एक लीक है, कोई कंफर्मेशन है नहीं कि ऐसा आपको डिवाइस देखने को मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। बाकी देखते हैं इसके रिलेटेड जैसे और कोई न्यूज आती है तो मैं आपसे शेयर जरूर करूंगा।
तो दोस्तों आखिरी नंबर खबर की बात करें तो डिजिटल चैट स्टेशन ने लेनोवो लीजन गेमिंग स्मार्टफोन से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिकेशन शेयर किए हैं। और लेनोवो लीजन गेमिंग स्मार्टफोन में आपको स्नैपड्रैगन 865 प्लस वाला चिपसेट है वो देखने को मिलेगा, जो कि अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। और इसमें आपको 144Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा और साइड में आपको एक पॉपअप कैमरा का सपोर्ट देखने को मिलेगा। मतलब अभी तक मैंने ऐसा कोई डिवाइस नहीं देखा है जिसमें आपको साइड में पॉपअप कैमरा का सपोर्ट मिलता है, लेकिन इसमें आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही में 90W का फास्ट चार्ज टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलेगा और साथ ही में आपको इसमें LPDDR5X रैम का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। बाकी प्राइसिंग क्या होने वाली है इसके रिलेटेड अभी तो कोई लीक्स नहीं आई है और कंपनी से कब लॉन्च करेगी इसके रिलेटेड भी कोई लीक्स नहीं आई है, बट ऐसा कंफर्मेशन है कि ये जो डिवाइस है ये जुलाई के मिड तक आपको देखने को मिल सकता है। बाकी इंडिया में कब आने वाला है ये भी अभी कोई कंफर्मेशन है नहीं, तो जैसे इससे रिलेटेड कोई लीक्स आती है या फिर न्यूज आती है तो मैं आपसे शेयर जरूर करूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो है ये आपके लिए काफी यूजफुल होगी और काफी नॉलेजेबल भी होगी। तो वीडियो अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऐसे वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए जब हम वीडियो अपलोड करेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, स्टे होम रहिए स्टे सेफ रहिए और अपना ख्याल रखिए।